अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के इंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर दोस्तों जो कतर से आ रही है वो कतर एयरवेज की तरफ से आ रही है। कतर एयरवेज कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एक्सपेंशन विद रिजम्पशन ऑफ नॉन स्टॉप फ्लाइट टू सोफिया। साथियों, कतर एयरवेज की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि सोफिया के लिए दोस्तों जो फ्लाइट उड़ाई जाती थी सोफिया एयरपोर्ट के लिए वो कंटिन्यू रहेगा, उसे रोका नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, कोरोना काल की वजह से बहुत सारे फ्लाइटों को रद्द किया गया था, बहुत सारे फ्लाइटों को बंद किया गया था। तो दोस्तों सोफिया एयरपोर्ट के लिए फ्लाइटें फिर से उड़ान भरेगी। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही साथी वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही, पर दोस्तों बताना आपको मैं ज़रूर इसलिए समझता हूँ क्योंकि बहुत ही बड़ी दुर्घटना वहाँ पे घटी है। बताना चाहूँगा साथियों आपकी, वहाँ पे लगभग 4 बच्चों की वहाँ पे मौत हो गई है जो कि एक बॉन्सी कोस्टल ट्रेजेडी की वजह से हुआ है। ये सभी चारों बच्चों जो थे, जो वो सभी स्कूली बच्चे थे जो कि क्रिसमस की वजह से साथियों वहाँ पे घूमने कहीं पे गए थे, जिसके वजह से लगभग 33 फीट ऊपर से गिरने की वजह से सभी बच्चों की वहाँ पे दर्दनाक मौत हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी भी घायल है, उसके हॉस्पिटल में उसके इलाज चल रही है। साथियों जैसा कि आपको पता होगा कि कतर में कल दोस्तों वहाँ पे कतर नेशनल डे मनाया गया था, जिसके लिए साथियों बहुत सारे रेस्टोरेंट ने वहाँ पे ऑफर भी दिया था, जैसे कि अलवादी होटल दोहा एम गैलरी में, जैसे कि हिल्टन दोहा पियर रेसिडेंसी जिसमें दोस्तों डिनर ब्रंच ऑफर लिमिटेड था, इसमें दोस्तों बहुत सारे इसमें ऑफर भी दिए गए थे, सार्क विलेज एंड स्पा बनियान ट्री दोहा। तो सभी इस सभी दोस्तों होटल में वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर दिए गए थे, जो लोग भी वहाँ पे गए थे इसका ऑफर का मज़ा उठा पाएँ। अब साथियों बात कर लेते हैं कोविड की ताज़ा अपडेट के बारे में, तो अब तक वहाँ पे 51,05,894 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। 24 घंटे के अंदर 7,826 लोगों को वैक्सीन दी गई, वहीं पे 1,96,692 लोगों को अब तक वहाँ पे बूस्टर डोज दिया जा चुका है। अब तक वहाँ पे 2,43,212 लोग ठीक हो चुके हैं, 24 घंटा में 238 लोग रिकवर हुए हैं। टोटल एक्टिव केस वहाँ पे 2,356 है और 24 घंटा में 138 केस आया जिन और 26 लोग ट्रैवलर हैं। 24 घंटा में एक भी लोगों की मौत नहीं हुई, टोटल वहाँ पे 614 लोग अब तक कोविड से मर चुके हैं। वहीं पे 3,90,312 लोग अब तक कोविड का जाँच किया जा चुका है और अब तक वहाँ पे 24 घंटा में 23,030 लोगों का जाँच किया गया, 2 लोग ICU में गए, टोटल वहाँ पे 11 लोग ICU में हैं। तो दोस्तों पूरी ताज़ा अपडेट थी COVID-19 की। यदि कोई भी आपको स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम है तो 16000 पे आप कॉल कर सकते हैं। अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही है वो इंडिया से आ रही, साथियों काफ़ी बड़ी खबर है। साथियों इंडिया की तरफ से वहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ बताया गया कि लगभग वहाँ पे 101 ओमिक्रोन के नए वेरिएंट के केस वहाँ पे पाया गया है, लगभग 11 स्टेट में पाया गया है। तो दोस्तों अभी ज़्यादा केसेस तो फिलहाल अभी नहीं है, पर ये डरने वाली बात है क्योंकि लगातार ओमिक्रोन का केस जो है वो इंडिया में पाया जा रहा है और इंडिया में दोस्तों केस जैसे ही फैलता है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। बस दुआ मैं यही करूँगा कि ये केस दोबारा ना फैले और इससे हम लोग बच के रहें। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है वो कतर नेशनल डे के आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि कल के दिन नेशनल डे था, तो कतर नेशनल डे के दिन क्या क्या प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे कतर नेशनल डे पैरेड हुआ, एयर शो हुआ सुबह 9 बजे, म्यूजिक लाइट जीएन फायरवर्क हुआ 8 बजे रात को, फीफा अरब कप भी हुआ था फाइनल कल रात में, अल मसर पार्क में पीएल मॉन्यूमेंट हुआ, क्रॉन्ची पॉन्यूमेंट हुआ, क्रॉन्ची व्यू पॉइंट था, फिशिंग स्पॉट बंडर स्काई वी, दोहा स्काईलाइन व्यू पॉइंट, कैलीग्राफिक स्कल्पचर वेस्ट माउंट स्कैलेंड व्यू पॉइंट। तो दोस्तों ये सारा प्रोग्राम कल के दिन रखा गया था कतर नेशनल डे के दिन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कतर नेशनल डे जो पैरेड था कल सुबह 9 बजे था, दोहा क्रंची में किया गया था, जिनमें से कतर के आमिर शाह भी उसमें शिरकत फरमाए, बहुत सारे लोग बड़े बड़े नेता MPs वगैरह और बहुत बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे दावत दी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले अल्लाह हाफिज़।